सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पिछले सप्ताह नवी मुंबई के दीघा एवं सानपाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 11 जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ के हाथों संपन्न हुआ। इस उद्घाटन समारोह दौरान मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ को एक तलवार भेंट स्वरूप दी गई थी। जब उन्होंने तलवार बाहर निकाली तब राष्ट्रवादी के नवी मुंबई संपर्क प्रमुख प्रशांत पाटिल के बोल बिगड़े एवं उन्होंने ये तलवार गणेश नाइक के लिए है क्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। बता दे कि विधायक गणेश नाइक पिछले 45 सालों से राजकारण एवं समाजकारण में कार्यरत है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर उन्होंने कई विभागों का प्रतिनिधित्व भी किया है एवं 15 सालों तक वे ठाणे जिला के पालक मंत्री भी रहे हैं। एवं ऐसे ज्येष्ठ नेता के खिलाफ प्रशांत पाटिल के इस वक्तव्य के बाद विधायक गणेश नाइक के कार्यकर्ताओं में तीव्र नाराजगी छाई है और इसीलिए नवी मुंबई भाजपा के एक शिष्टमंडल द्वारा पूर्व महापौर जयवंत सुतार के नेतृत्व में नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा एवं प्रशांत पाटिल पर कार्रवाई करने की मांग की। इस शिष्टमंडल में पूर्व महापौर जयवंत सुतार के साथ ही पूर्व नगर सेवक विनोद महात्रे, मुनावर पटेल, अमित मेडकर, लीलाधर नाइक, भाजपा के युवा नेता निशांत भगत, भाजपा कार्यकर्ता गणेश भगत मौजूद थे। आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व महापौर जयवंत सुतार ने कहा कि जो बात प्रशांत पाटिल के मन में थी वही बात उनके जुबा पर भी आई है और इसीलिए विधायक गणेश नाइक के जान को खतरा होने की बात से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि प्रशांत पाटिल पर कार्रवाई की जाए एवं विधायक गणेश नाइक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। 19 तारखेला नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन होत असताना माननीय मंत्री महोदय यांना काही कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी तलवार भेट दिली। तलवार भेट दिल्यानंतर ती तलवार बाहेर काढली गेली आणि ती तलवार बाहेर काढून उंच पकडली असताना नवी मुंबई राष्ट्रवादीचे संपर्क नेते म्हणून
प्रशांत पाटील आहे, त्याने या ठिकाणी वक्तव्य केलं की ही तलवार गणेश नाईकांसाठी का, ज्यावेळी जे हृदयात असतं ते ओठामध्ये आलेलं आहे आणि कुठेतरी दगाफटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। म्हणून आज आमचे सर्व सहकारी निशांत भगत, मनोहर पटेल, अमृत मेटकर, विनोद म्हात्रे, श्री नाईक, लीलाधर नाईक, गणेश भगत यांच्यासह एक शिष्टमंडळ माननीय पोलीस आयुक्त महोदयांना आम्ही भेटलो, त्यांना ह्या गोष्टीची कल्पना दिली। निवेदनामध्ये आम्ही म्हटलेलंच आहे, वाटल्यास अन्य मीडियाची फुटेज तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करावी आणि त्या व्यक्तीवर एक गुन्हा दाखल करावा। त्याच पद्धतीनं आदरणीय नाईक साहेबांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करावी अशा पद्धतीची मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने भी इस बात को माना है कि प्रशांत पाटिल द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे गलत है और इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी पुलिस आयुक्त ने दिया है। डायरी उपस्थित डीसीपी मेंगडे साहेब यांच्याकडे तो अर्ज तपासण्यासाठी दिलेला आहे। लिखित स्वरूपामध्ये माननीय आयुक्त महोदयांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की अशा पद्धतीनं वक्तव्य करणं हे चुकीचं आहे, योग्य ती कारवाई त्यावर करू। भाजपा शिष्टमंडल द्वारा किए गए इस मांग को लेकर नवी मुंबई पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने ही मंत्री के सामने हिंसा के भाषा का इस्तेमाल किया एवं मंत्री जी ने उनकी इस बात को हंसकर बढ़ावा दिया, उससे कहीं ना कहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अहिंसा के तत्वों पर चलने का दावा करती है, उसकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।